नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सफ़ेद मक्खी, एफिड्स और विभिन्न फसलों में जो शूट एंड फूड बोरर का अटैक होता है वहाँ पे कौन सा स्टिकी ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप यूज करना चाहिए उसका बारे में। इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए। कौन सा कीड़ा के लिए कौन सा ट्रैप यूज करना चाहिए वो हम लोग डिटेल्स में इसमें बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे एफिड्स के बारे में। डिफरेंट वेजिटेबल्स और फसलों में एफिड्स का अटैक होता है। ये एक टाइप का शोषक कीड़ा है और रस सूस के खाते हैं और पौधा को कमज़ोर कर देते हैं। फसल में एफिड्स का अटैक है तो एकड़ में 40 से 45 ठो ब्लू ट्रैप लगा देना चाहिए। ब्लू स्टिकी ट्रैप लगाने से एफिड्स 30-40% कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद आपको केमिकल का यूज करना चाहिए जहां खर्चा कम कर देते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे सफ़ेद मक्खी के बारे में। डिफरेंट फसलों में देखा गया है सफ़ेद मक्खी का अटैक होता है और पत्ता सिकुड़ जाता है, तो इसके लिए हम लोगों को येलो स्टिकी ट्रैप यूज करना चाहिए। येलो स्टिकी ट्रैप में सफ़ेद मक्खी आकर्षित होता है और उसमें चिपक के मर जाता है। एफिड्स और सफ़ेद मक्खी दोनों का अटैक है तो येलो स्टिकी ट्रैप और ब्लू स्टिकी ट्रैप दोनों को यूज करना चाहिए। फसल लगाने का 15 से 20 दिन का अंदर हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप को इंस्टॉल कर पाएंगे तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है और कीड़ा कंट्रोल होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंट ताना छेदक और फल छेदक कीड़ा को फेरोमोन ट्रैप देके कैसे कंट्रोल करेंगे उसके बारे में। कपास में कॉटन ब्लो वर्म बोल के एक कीड़ा है जो फसल को अटैक करते हैं और बहुत नष्ट करता है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे। और है एक कर्न मक्का में कर्न एयर वर्म बोल के एक कीड़ा है जो फसल को बहुत नष्ट करते हैं, इसके लिए ये कीड़ा जिम्मेदार है। ये कीड़ा बहुत अटैक करते हैं तो उसके लिए एक अलग लियोर मिलता है, हेलिकोभरपा एमिग्रा बोल के एक लियोर मिलता है। इस लियोर को इस दोनों फसल में हम लोग यूज करेंगे तो इस कीड़ा 30-40% कंट्रोल हो जाता है। इस टाइप का इसके लिए एक ट्रिप यूज होता है। इसका अंदर साइड में ऐसे है, देखिए लियोर लगा हुआ है और यहाँ पे आके कीड़ा चिपक के मर जाता है। और इस टाइप का ट्रैप भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लियोर इसका अंदर रहता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे स्पडेप्टरा लिटोरा नाम का कीड़ा का बारे में। ये कीड़ा जनरली कॉटन में अटैक करते हैं, कॉटन का लीप में इसको अटैक करते हैं और तंबाकू में भी इसका अटैक देखा जाता है। तंबाकू फसल में भी ये होता है, इस टाइप का कीड़ा देखने के लिए होता है। तो तंबाकू, कपास, धान और मक्का ये सब फसल में इस कीड़ा का अटैक देखा जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक लियोर यूज करेंगे। इस लार्वा का पूर्णांग रूप ऐसे होता है। इस कीड़ा को कंट्रोल कर पाएंगे तो हम लोगों का फसल बच जाएगा। एक्सिगुआ नाम पे एक लियोर मिलता है, इस लियोर को ये कीड़ा कंट्रोल करने के लिए यूज करना चाहिए। आप इसी टाइप का एक ट्रैप यूज करेंगे तो वो अच्छा इफेक्टिव होता है। डिफरेंट स्टडी में देखा गया है कि ये जो लियोर है ये बहुत इफेक्टिव होता है। हम लोग इसको यूज करेंगे तो 30-40% कंट्रोल हो जाता है। जनरली ये लार्वा आक का ताना और कपास का फ्रूट में इसका अटैक होता है। इसका पूर्णांग रूप ऐसे होता है। तो इस कीड़ा को हम लोग पेक्टिनोफोरा गोसिपियला नाम पे जाना जाता है। ये जनरली कपास और आक में अटैक होता है। इसके लिए ये लियोर यूज करेंगे इसी टाइप का ट्रैप देके तो बहुत इफेक्टिव होता है। ब्रिंजल में ताना और फल छेदक कीड़ा का बहुत अटैक होता है और उसको कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। लूसोनिड अर्बनिल्स नाम का कीड़ा है जो इसको अटैक करते हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे इफेक्टिव है फेरोमोन ट्रैप यूज करना। फेरोमोन ट्रैप को हम लोग यूज करेंगे तो इसको कंट्रोल 50-60% हो जाता है। इस टाइप का ट्रैप हम लोग यूज कर सकते हैं इस कीड़ा को कंट्रोल करने के लिए, जिसको वाटर ट्रैप बोलते हैं। ये जितना इफेक्टिव ट्रैप है उसका बारे में हम लोग बताए हैं। और किसी चीज़ का ऊपर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम लोग आपको बताते रहेंगे कौन सा ट्रैप कौन सा काम पे यूज होता है। डिफरेंट टाइप का ट्रैप भी मिलता है जो महंगा भी होता है, कम दाम का भी है, तो आपको मार्केट से ढूंढ लेना पड़ेगा। आपको और इसका बारे में डिटेल्स चाहिए
तो आप लिखिए, हम लोग आपको बताते रहेंगे। आपका एरिया में फेरोमोन ट्रैप या स्टिकी ट्रैप नहीं मिल रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको बताएंगे कैसे आपको मिल सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से भी मंगा सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए, और नया है तो आप सब्सक्राइब करिए।